सहारा जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गए थे। चीनू की माँ रानो बहुत बीमार थी और वो बिस्तर की होकर रह गई थी, इसलिए घर का सारा काम चीनू को ही करना पड़ रहा था। चीनू, अरे बेटा चीनू, मेरी बात सुनो। मम्मी आ रही हूँ, क्या हुआ? चीनू भागी भागी अपनी माँ की बात सुनने के लिए आती है। क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों आवाजें लगा रही हो? अरे बेटा, मैं बिस्तर की क्या हुई, घर के सारे काम ही इधर उधर हो गए। ऐ बेटा, पिछले 2 हफ्तों के कपड़े रखे हैं धोने वाले, पता नहीं कब धुलेंगे, पता नहीं मैं कब ठीक होंगी, मैं तो अपनी बीमारी से तंग आ गई हूँ। अरे क्या मम्मी, ऐसे तो ना बोलो, तुम्हारी बेटी सारे काम कर तो देती है, तो फिर रोना काहे का है? कोई बात नहीं, जहाँ मैं सारे काम कर लेती हूँ कपड़े भी धुल जाएंगे, तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मेरी बच्ची, मैं चिंता ना करूँ तो और क्या करूँ, मेरी छोटी सी बच्ची को सारे घर के काम करने पड़ रहे हैं। धत मम्मी, ऐसे मत सोचो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारे सभी काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही सुबह मैं धोबी घाट पर जाऊंगी कपड़े धोने के लिए। चीनू बेचारी उम्र में इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन माँ की बीमारी की वजह से सारे घर का बोझ उस पर आन पड़ा था। अगली सुबह ही सुबह चीनू घर के सारे काम निपटा लेती है और कपड़े उठाकर धोबी घाट पर जाने लगती है। अरे बेटा मेरी बात सुनकर जाओ, धोबी घाट पर जगह नहीं मिलती इतनी आसानी से, हर पक्षी ने एक एक पत्थर संभाला होता है, तुम भी जरा ध्यान से जाना मेरा बेटा, जरा देख चाख के जाना, वहाँ बहुत ज्यादा लोग आए होते हैं कपड़े धोने के लिए। तुम चिंता मत करो मम्मी, मैं सब संभाल लूंगी, अब तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारी दवाई मैंने टेबल पर रख दी है, उसे याद से खा लेना और अपना ख्याल रखना, बिना वजह घर के काम मत करने लग जाना, अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर चीनू कपड़े धोने के लिए चली जाती है। अपनी तरफ से तो चीनू सुबह ही सुबह आई थी, मगर जैसे ही वो धोबी घाट पर पहुंची, वहां पहले से सभी पक्षी मौजूद थे और हर कोई अपने अपने काम करने में मसरूफ था, कोई पानी भर रहा था तो कोई कपड़े धो रहा था, तो किसी को अपने घर का कुछ और काम करना था। सादा सी बात यह थी कि चीनू बेचारी अपनी बारी का इंतजार करने लगती है। अल्लाह, यहाँ पर तो इतने सारे पक्षी बैठे हैं, मेरी बारी कब आएगी? मम्मी भी घर पर अकेली है, मैंने तो खाने में भी कुछ नहीं बनाया था, अब क्या करूँ, बिना कपड़े धोए कैसे घर जाऊं, मम्मी को कल भी चिंता हो रही थी। उधर गोरी कवी और टीना तोती कपड़े धोते समय आपस में बातें कर रहे थे। अरे गोरी बहन, क्या तुम जानती हो, वो सेठ रामलाल जी है ना, उन्होंने कल सारे गांव में भोजन बांटा है, हमें तो पता ही नहीं था, अगर पहले से पता होता तो हम भी ले आने। हे, क्या तुम सच कह रही हो तोती बहन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे बता तो रही हूँ कि पहले नहीं पता था, मुझे तो खुद बहुत अफसोस हो रहा है कि पहले से पता होता तो हम भी जाकर कुछ 2 बोरी अनाज की ले आते। वो दोनों आपस में बातें किए जा रहे थे और साथ साथ कपड़े धोए जा रहे थे। चीनू उन दोनों को बातें करता हुआ देख रही थी और सोच रही थी कि कब ये दोनों अपने काम से फारिग हों तो मेरी बारी भी आए। हाय तोती बहन, देखो तो आज चीनू आई है कपड़े धोने के लिए, लगता है रानो की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, बेचारी छोटी सी बच्ची को घर के सारे काम करने पड़ गए हैं। हाँ गौरी बहन, लगता है तुम ठीक कह रही हो, चलो जल्दी से हम कपड़े धो लेते हैं, फिर इसकी भी बारी आ जाएगी। अब चीनू को इंतजार करते हुए काफी समय बीत गया था। अल्लाह, इनका तो काम खत्म होके ही नहीं दे रहा है, कब मेरी बारी आएगी और कब मैं कपड़े धोऊंगी,
अभी तो कपड़े धोते समय बहुत समय लग जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, गौरी आंटी से खुद कहती हूँ जाके। और फिर चीनो गौरी के पास जाती है। गौरी आंटी, प्लीज आप जल्दी से अपना काम खत्म कर लो ना, मुझे भी यहाँ बैठकर कपड़े धोने हैं। मेरी मम्मी बहुत बीमार है और मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो, पर मैं भी क्या करूँ। देखो ना, तुम्हारे अंकल के कितने सारे कपड़े धोने के लिए रखे हैं। जब मेरा काम खत्म होगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगी ना, थोड़ा सा और इंतजार कर लो मेरी बच्ची। चीनू गौरी की बात सुनकर वापस जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते कब चीनू की आंख लग गई चीनू को पता नहीं चला, और वो वहीं बैठे बैठे सो जाती है। उधर घर में रानो चीनू का इंतजार कर रही थी। हाय मेरी बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं, मैंने कहा भी था चीनू जल्दी आना, और उसने इतना टाइम लगा दिया है, पता नहीं कहाँ रह गई है। पता नहीं मेरी बच्ची से कपड़े भी सही से धोने हो रहे होंगे या नहीं। कृपया जल्दी आ जाओ चीनू, मुझे चिंता हो रही है। उधर चीनू मजे से सो रही थी। काफी देर के बाद जब चीनू की आंख खुली तो सब लोग वहां से जा चुके थे। अल्लाह, मुझे तो किसी ने जगाया तक नहीं, अब तो शाम होने को आई है और सब यहाँ से जा चुके हैं, कितने बुरे हैं सब। भला गौरी आंटी मुझे जगा देती तो मैं अपना काम खत्म कर लेती, अब तो शाम हो गई है, अब कैसे धोऊं कपड़े। अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ, अगर कपड़े धोने बैठूंगी तो अंधेरा हो जाएगा, और अगर नहीं धोऊंगी तो कल फिर से आना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। और फिर चीनू बिना कपड़े धोए वापस घर की तरफ चल देती है। थोड़ी ही देर में चीनू बिना कपड़े धोए घर आ गई थी। अरे मेरी बच्ची तू कहाँ रह गई थी, सारा दिन हो गया है, इतना टाइम लगाते हैं क्या। सॉरी मम्मी, मैं कपड़े नहीं धो पाई, मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गई थी। और फिर चीनू अपनी माँ को सारी बात बता देती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, फिर किसी दिन धो लेंगे कपड़े। नहीं नहीं मम्मी, मैं कल ही जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, कल शनिवार है और शनिवार को शेरों के पानी पीने का दिन होता है, शेर वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, और मैं इस खतरे में तुझे वहाँ नहीं भेज सकती। कोई बात नहीं, दो दिन सब्र कर लेते हैं। क्या, शेरों के पानी पीने का दिन? अरे हाँ बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, हफ्ते के दो दिन शेर पानी पीने के लिए आते हैं धोबी घाट पर, अब तू कल वहाँ मत जाना। लेकिन मम्मी, अगर कपड़े नहीं धोएंगे तो ये और भी ज्यादा हो जाएंगे, और घर में किसी के पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सभी कपड़े धोने वाले हैं। कोई बात नहीं, जहाँ इतना सब्र किया है दो दिन और सही, मैं तुझे कह रही हूँ चीनू मत जाइयो वहाँ। और फिर चीनू अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं देती। रात हो जाती है और चीनू सोने के लिए लेट जाती है। भला ये भी क्या बात हुई, अगर शेर वहाँ से पानी पीने आएंगे तो वो मुझे थोड़ी ना कुछ कहेंगे, मैं तो कल ही जाऊंगी कपड़े धोने के लिए। और फिर सुबह अपनी माँ के उठने से पहले चीनू फिर से कपड़े धोने के लिए निकल जाती है। आज धोबी घाट पर कोई नहीं था, सब अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, क्योंकि सभी शेर बादशाह से बहुत डरते थे। हाय दया, आज तो यहाँ पर कोई नहीं आया, चलो अच्छा है ना, मैं शेरों के आने से पहले पहले कपड़े धो लेती हूँ। और फिर चीनू वहाँ बैठकर कपड़े धोने लगती है। चीनू का काम बस खत्म होने ही वाला था कि शेरों का टोला पानी पीने के लिए आ जाता है। अरे मम्मी ने सच कहा था, ये सारे शेर तो इसी तरफ आ रहे हैं,
बस मेरा काम खत्म होने ही वाला था, थोड़ी देर और रह लेते यार, अब क्या करूं? चीनू अभी सोच ही रही होती है कि उसको क्या करना चाहिए, इतने में सभी शेर वहां से आकर पानी पीने लगते हैं। ए चिड़िया, तो यहाँ क्या कर रही है? क्या तुझे नहीं पता आज हमारा दिन है और तो यहाँ पर पहले से रास्ता बंद करके बैठी है? सॉरी शेर खान, मुझे नहीं पता था, बस मेरा काम खत्म हो गया है, मैं बस यहाँ से जाने वाली हूँ। चल हट यहाँ से और हमें पानी पीने दे, सारा पानी साबुन वाला कर दिया है तूने, बदतमीज कहीं की। शेरहान चीनू को बातें सुनाने लगता है, लेकिन उसका प्यास के मारे बुरा हाल था और वो चीनू को कुछ कहे बिना ही वहां से पानी पीने लगता है। जैसे ही शेर खान पानी पीने लगा तो थोड़ा सा जख्मी होने की वजह से वो वहां से पानी नहीं पी पाया। अरे बाप रे, ये मेरे चेहरे की चोट ने तो बुरा हाल कर दिया है, मुझसे तो पानी भी पिया नहीं जा रहा। और ये सब चीनू वहां खड़ी देख रही थी। शेर भैया, आप चिंता मत करें, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, मेरे पास बाल्टी है, मैं इसमें से पानी पिलाऊंगी, आप चिंता मत करें, लाइए मैं पानी पिलाती हूँ। और फिर चीनू के पास जो कपड़े धोने के लिए बाल्टी लेकर आई थी, चीनू ने उसमें पानी भरा और शेर खान को पिला दिया। शेर खान की प्यास तो बुझ गई थी, लेकिन उसे चीनू पर बहुत प्यार आया। तुम्हारा धन्यवाद चीनू, तुमने हम पर एहसान किया है, हम तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाएंगे। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि बाकी सभी शेरों ने चीनू पर हमला कर दिया। अरे अरे बचाओ मुझे, ये सब लोग तो मुझे मार देंगे। शेर भैया, मैंने आपकी मदद की थी, अब आप भी मेरी मदद करें, मुझे बचाएं। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने चीनू को नुकसान पहुंचाया, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, ये मेरी मोहसिन है, इसने मुझे पानी पिलाया है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। शेरहान के इस तरह कहने पर सभी शेर दुम दबाकर भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेर भैया, आपने मेरा बहुत साथ दिया, अगर आप ना होते तो आज मैं आपके साथियों का निवाला बन चुकी होती। नहीं नहीं चीनू बहन, हम ऐसे किसी का एहसान जाया नहीं करते, तुमने हम पर एहसान किया, हमें पानी पिलाया, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि हम तुम्हारा साथ दें। चलो अब अंधेरा हो रहा है और तुम जाओ अपने घर, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर शेर खान अपने रास्ते चला जाता है और चीनू अपने धुले हुए कपड़े उठाकर वापस घर की ओर चल देती है। घर पहुंचते ही उसने सारी घटी हुई घटना अपनी माँ को बता दी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी बच्ची को बचा लिया। ए चीनू, मैंने तुझे मना किया था ना कि आज धोबी घाट पर मत जाइयो, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। देखा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी माँ क्या करती तेरे बिना। ओहो मम्मी, हुआ तो कुछ नहीं ना, तुमने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, मुझे पता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, मैंने भी शेर भैया की मदद की, तो देखो ना उसने भी मेरी कितनी मदद की। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है और जरा देखो तो मैंने कपड़े कैसे धोए, भला कितने अच्छे लग रहे हैं ना, साफ सुथरे उजले उजले। और फिर दोनों माँ बेटियाँ हंसने लगती हैं। देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे सामने वाला हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। चीनू चिड़िया गरीब माता पिता की बेटी थी, उसने गरीब घराने में आंख खोली, इसलिए वो गुर्बत का मतलब बहुत अच्छे से जानती थी। और वो ये भी जानती थी कि मेहनत करने से ही उनके घर का गुजारा हो सकता है। वो बेचारी हालात की मारी थी, उसके दो बच्चे भी थे, उसका पति एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और अब घर का गुजारा चीनू के सर पर ही था। वो बेचारी मेहनत मजदूरी करके
अपने बच्चों का पेट पालती थी। चीनू लोगों के घरों में बावर्ची का काम करती थी। चीनू के हाथ का खाना बहुत ज्यादा मशहूर था। वो 2-3 घरों में खाना पकाने का काम किया करती थी। बेचारी लोगों की डांट डपट सुनकर ही अपना गुजारा कर लेती। चीनू जिस फैमिली में काम कर रही थी वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और इन दिनों चीनू बेचारी बिल्कुल फारिग थी। ओए मम्मी मम्मी, खाना दो ना, देखो सूरज सर पे आ गया है और तुमने आज हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो ना प्लीज। हाँ मम्मी, मेरे को भी भूख लगी है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी कुछ खाने को दे दो ना। चीनू बेचारी बच्चों की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। या अल्लाह, मैं बच्चों को क्या दूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और तो अब इनको दिलासा देने के लिए भी नहीं बचा। या अल्लाह मेरी मदद कर, कैसे गुजारा होगा मेरा। चीनू अपने मन में ये बात सोच रही थी। अरे मेरे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी अभी जाती है और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती है। तुम लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। ओए ठीक है मम्मी, लेकिन जल्दी आना, तुम्हारे बेटे को बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, तुम दरवाजा बंद करो, मैं बस अभी आई। ऐसा कहकर चीनू घर से बाहर चली जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपने पड़ोसी मिठू भैया के पास जाती है। क्या हुआ चीनू बहन, कुछ परेशान लग रही हो? बस क्या बताऊं मिठू भैया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं जहाँ काम करती थी वो गौरी बहन कहीं गई हुई है और अब मेरे पास काम नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, अगर घर में खाने के लिए कुछ रखा है तो मुझे दे दो। ओहो, बस इतनी सी बात थी और तुम परेशान हो गई। कोई बात नहीं, मेरे घर में कुछ फ्रूट रखा है, मैं लाकर तुम्हें दे देता हूँ। इस समय तो वो तुम अपने बच्चों को दे दो, लेकिन आज शाम में तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। क्या सच्ची मिठू भैया, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है, तुम्हारा धन्यवाद, ये फ्रूट मुझे दे दो। और फिर चीनू चिड़िया वहां से निकलकर वापस अपने घर आ जाती है। उसने वो फ्रूट अपने बच्चों को खिला दिए और उनका पेट भर गया। अब दोनों बच्चे खाना खाकर खुश हो गए थे और वो आपस में खेलने लग गए। चीनू शाम होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शाम होती है चीनू मिठू तोते के साथ चील के घर चली जाती है। अरे मिठू भैया, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो, ये तो चील दीदी का घर है, मुझे तो चीलों से बहुत डर लगता है। अरे अरे बहन, डरने की कोई बात नहीं, ये बहुत दयालु चील है। मिठू के समझाने पर चीनू को थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई थी। और फिर वो दोनों चील के घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हाँ भाई, कैसे आना हुआ तुम दोनों का, आज कैसे रास्ता भूले हो मिठू मेरे घर का। चील दीदी, एक्चुअली ये देखिए, ये इनसे मिलिए, ये भी मेरी बहन है, मेरी पड़ोसन है, इनका नाम चीनू है, इनसे मिलिए, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपने मुझसे कहा था ना कि कोई काम करने वाली हो तो मुझे बताना, तो फिर मैं इनको साथ लेकर आया हूँ, आप इनसे मिल लीजिए और इनको काम समझा दीजिए। ओ अच्छा अच्छा, तो तुम इसलिए आए हो। हाँ भाई चीनू, बताओ क्या क्या काम कर लेती हो तुम। चील दीदी, मैं 2-3 घरों में बावर्ची का काम करती थी, उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और मैं यही काम अच्छे से जानती हूँ, बाकी आप जो बोलोगी वो मैं कर दिया करूँगी। ओहो, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तुम मुझसे आराम से बात कर सकती हो,
मैं मांसाहारी चील नहीं हूँ, तुम आराम से बात करो मुझसे। चील के इस तरह कहने पर चीनू को तसल्ली हो जाती है। हाँ भाई चीनू, ठीक है फिर तुम कल से आ जाना। आज शाम के लिए खाने को कुछ रखा है, तुम कल से आ जाना। और मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, उन सब का खाना बनाना होगा तुम्हें। हाँ ठीक है चील दीदी, उसकी आप फिक्र मत करें, आप मुझे जो बोलोगे मैं वो कर दिया करूँगी। और फिर उन दोनों में बात टन हो जाती है। इस काम के बदले चील उसको अच्छी खासी भारी रकम देने के लिए तैयार थी। काम के मिल जाने से चीनू खुश तो बहुत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये फिक्र खाए जा रही थी कि कहीं चील ने उसको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। देखो मिट्टू भैया, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि इस चील ने अगर मुझे नुकसान पहुंचाया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना प्लीज। अरे अरे बस भी करो चीनू बहन, तुम्हारा डर तो खत्म ही नहीं हो रहा। कुछ नहीं कहेगी ये चील तुम्हें, उसने तुम्हें बताया है ना कि वो मांसाहारी चील नहीं है। हाँ वो खुद तो मांसाहारी नहीं है, लेकिन उसके घर में आने जाने वाले चील तो मांसाहारी होंगे ना, अगर उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो। बस तो फिर तुम्हारे डर का कोई इलाज नहीं है, कहीं और काम मिलता है तो कर लो, मेरे पास तो यही एक काम था। मिट्टू के इस तरह कहने पर चीनू खामोश हो जाती है और मजबूरी में उसको ये काम करना पड़ा। अगले दिन से ही चीनू चील के घर पे काम करने चली जाती है और मिट्टू का कहा सच साबित हुआ था। चील ने चीनू को कुछ नहीं कहा था। चीनू खुशी खुशी काम करके आ जाती है। अरे अरे मिट्टू भैया, तुमने वाकई सच कहा था, चील दीदी तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये देखो एडवांस में मुझे कुछ पैसे भी दे दिए हैं मेरे बच्चों के लिए, और तो और बचा हुआ खाना भी दे दिया। हाँ देखा, मैं ना कहता था तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी, चलो अब खुशी खुशी अपना काम करो। और फिर दिन गुजरने लगते हैं। चीनू का गुजारा अच्छे से हो रहा था, उसके दिन बदल गए थे, चीनू बहुत ही ज्यादा खुश थी। चील अपने बच्चों के कपड़े भी और बचा हुआ खाना भी चीनू को दे दिया करती थी, जिससे चीनू की गुजर बसर अच्छी होने लगी थी। लेकिन चीनू बेचारी को खुशियां ज्यादा देर तक रास नहीं आती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि गोरी कव्वी बाहर से आ जाती है। उस दिन गोरी कव्वी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो चीनू के घर आई थी। ए चीनू की बच्ची, तूने क्या सोचा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए चली गई हूँ? अरे मेरे घर का काम कौन करेगा, पूरे महीने की पगार दी थी तुझे, मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ, तू काम पे क्यों नहीं आई? अरे गोरी दीदी, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतनी जल्दी वापस आ जाना है, मैंने तो चील दीदी के घर का काम पकड़ लिया है, मैं नहीं जानती थी कि तुम जल्दी वापिस आ जाओगी। ए क्या मतलब है तेरा कि तूने चील दीदी का काम पकड़ लिया है, पहले मेरे साथ कमिटमेंट हुई थी तेरी, चुपचाप मेरे साथ चल और मेरे घर का काम कर। अरे गोरी दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो, मैं चील दीदी को नहीं मना कर सकती, हर रोज वहाँ जाना होता है और आज उनके मेहमान आने वाले हैं, अगर मैं ना गई तो उनका नुकसान हो जाएगा। देख चीनू, वो सब कुछ मैं नहीं जानती, तू मेरे साथ चल और मेरे घर का काम कर, वरना मेरे पिछले महीने के एडवांस पैसे वापस कर। चीनू बेचारी परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। अच्छा गोरी दीदी, एक काम करते हैं, तुम ऐसा करो, तुम शाम तक इंतजार कर लो, मैं पहले चील दीदी के घर से हो आऊं तो फिर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। लेकिन गोरी कव्वी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। ए क्या मतलब है तेरा, वो सब मैं नहीं जानती, तू अभी चल मेरे साथ। और फिर गोरी कव्वी जबरदस्ती चीनू को अपने साथ ले जाती है। गोरी ने सारा घर का काम उससे करवाया और जो काम नहीं भी करने वाला था वो भी चीनू के सर पे डाल दिया। चीनू को काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, उधर चील भी उसका इंतजार करते करते थक गई थी। लेकिन चीनू बेचारी कैसे आती, वो तो गोरी कव्वी के घर में फंसी हुई थी।
अल्लाह, गौरी दीदी का काम तो खत्म होने पे ही नहीं आ रहा। वहाँ चील दीदी मेरा इंतजार कर रही होगी, पता नहीं क्या कहेगी वो। उधर चील मिठू तोते को फोन लगाती है। ए मिठू भैया, क्या हो गया तुम्हारी चीनू बहन को? आज क्यों नहीं आई वो काम पे? उसे पता भी था कि मेरे मेहमान आने वाले हैं, और फिर वो क्यों लेट हो गई है आज? जरा पता तो करके बताओ मुझे, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। अच्छा अच्छा दीदी, आप फोन बंद करिए, मैं अभी पूछ के बताता हूँ। और फिर मिठू तोते को चीनू के घर जाने पर पता चलता है कि वो गोरी के साथ गई है। मिठू उसके पीछे पीछे गोरी कव्वी के घर चला जाता है। अरे चीनू बहन, क्या हो गया है? उधर चील दीदी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है? उसने मुझे फोन किया था, चलो अभी जल्दी चलो यहाँ से। अरे मिठू भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, गोरी कव्वी ने मुझे कब से यहाँ बांध कर रखा है, और अब तो काम भी खत्म हो गया है, फिर भी मुझे जाने नहीं दे रही। और फिर चीनू चिड़िया मिठू को सारी बात सच सच बता देती है। मिठू ने उसको कुछ नहीं कहा और वो सीधा चील दीदी के पास पहुंच जाता है। वहां मिठू ने चील को सारी बात बता दी थी। तो ये बात है, हमारे इलाके में कौन दादागिरी दिखा रहा है? तुम रुको जरा, मैं अभी जाती हूँ इस गोरी की खबर लेने के लिए। और फिर चील अपने दो साथियों के साथ गोरी कव्वी के घर पहुंच जाती है। हाँ भाई गोरी, क्या बात है, किस बात की अकड़ दिखा रही हो? क्या तुम नहीं जानती ये हमारा इलाका है, और चीनू बहन पहले हमारे घर में काम करती थी, और तुम इसको अपने साथ ले आई? पहले तो तुमने गलत काम किया कि तुम बिना बताए ही चली गई और उस बेचारी का काम बंद हो गया। उसके घर में तो खाने के लाले पड़े थे, वो तो अल्लाह भला करे मिठू का, जो इसे मेरे पास ले आया। तब तुझे फिक्र नहीं थी कि इसमें भी पीछे से कुछ खाना पीना है, और आज आकर तू दादागिरी दिखा रही है। चील की बातें सुनकर गोरी कव्वी डर जाती है। आए, नहीं नहीं चील दीदी, मैं तो बस इससे कह रही थी कि पहले मेरे घर का काम कर लो, फिर चली जाना। मुझे नहीं पता था कि ये आपके घर में काम करती है, माफ कीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो चीनू को अपने साथ ले जा सकते हैं, वैसे भी मेरे घर का काम खत्म हो चुका है, और आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी मैं। हाँ ये हुई ना बात, आज के बाद ख्याल रखना, आज के बाद हमारी चीनू बहन को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ में आया तुम्हें? आज तो मैं चल कर आई हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, बस अपने साथियों को भेजूंगी और वहीं से तुझे उठवा लूंगी, समझ गई? अब नहीं नहीं दीदी, ठीक है मैं समझ गई, जाओ जाओ चीनू, जाओ तुम चील दीदी के साथ। और इस तरह से ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाता है और चीनू चील के साथ चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से गोरी ने कभी चीनू को तंग नहीं किया, और चीनू पहले टाइम गोरी के घर काम करती थी और फिर दूसरे टाइम चील के घर में काम कर दिया करती, और इस तरह उसका गुजारा अच्छा होने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने घर में काम करने वाले मुलाजिमों का भी ख्याल रखना चाहिए, वो भी इंसान होते हैं, उनकी परेशानी में उनका साथ देना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।